पूरे शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोशरिया यादव समाज, दुर्ग नगर यादव समाज एवं युवा यादव समाज द्वारा निकालेगी विशाल श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा का इस्तकबाल स्वागत दुर्ग मुस्लिम समाज के प्रमुख जनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर यादव समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों का फूलों के हार से स्वागत किया गया एवं शोभा यात्रा में शामिल कृष्ण भक्तों को पेयजल एवं मिठाइयां वितरित की गई। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन और यादव समाज प्रमुख जनों ने शोभा यात्रा में शामिल होकर भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्ग शहर में एकता का मिसाल देखने को अक्सर मिलता है। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज का त्यौहार जब भी आता है या समाज का जुलूस या शोभा यात्रा निकाली जाती है तो सभी मिलकर मनाते हैं, जुलूस का स्वागत करते हैं, फल पानी मिठाई बांटकर एवं फूलों से जुलूस का स्वागत किया करते हैं। ये मिसाल हमारे छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग भिलाई में हमेशा देखने को मिलती है। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद एवं MIC प्रभारी हमीद खोखर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अयूब खान, मुस्लिम समाज के उद्योगपति समाज सेवी फजल फारूकी, पूर्व पार्षद अफजल हुसैन, कांग्रेस नेता अजहर जमील, समाज सेवी शर्मेश पटेल, युवा क्रांति संगठन के अध्यक्ष गफ्फार खान, समाज के वरिष्ठ गफ्फार रिजवी, कपड़ा व्यवसाय संघ के अध्यक्ष तबरेज खान, दुर्ग हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार खान, MIC प्रभारी श्री भोला महोबिया, डॉक्टर यूनुस वहीद अशरफी, सैयद सैफ, गुड्डू भाई, सामाजिक कार्यकर्ता जाकिर सिद्दीकी, इकराम चौहान, सैयद इकबाल अली, शरीफ खान, प्रकाश भारद्वाज, गौरव सेन, हाजी जमाल खान, शमशाद खान, फिरोज खान, इरफान खान, शाहिद भाई, नासिर भाई आदि उपस्थित थे।